तो जनाब ये है मेरे दोस्त अमजद साहब, जिनके परफॉर्मेंस देखने मैं जा रहा हूँ, और ये मेरे साथ हैं। हम दोनों जा रहे हैं नापा अकेडमी, जहाँ पर ये हमारे दोस्त परफॉर्म करेंगे, और हम फिर आप लोगों को मज़े दिखा दें कि क्या सीन है। यार ये ट्राइपॉड को मैंने बनाया था, लेकिन मतलब जुगाड़ किया था, लेकिन वो अटेम्प्ट भी फेल हो गया यार, और इसी वजह से मैं व्लॉग्स नहीं बना रहा था। ट्राइपॉड नहीं होगा तो व्लॉग कैसे बनेगा? ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो कल टूटा है। कल मैं व्लॉगिंग कर रहा था, वहाँ भी टूट गया। खैर बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। बात ये कि मैं, जैसे कि अपने एक वीडियो में मैंने शेयर किया था कि मैं नापा में थिएटर एक्टिंग पढ़ता हूँ, ताकि मैं थर्ड ईयर में आ चुका हूँ। तो व्लॉगिंग तो मैं कर रहा था कंसिस्टेंटली, 12 वीडियोस में डाल चुका हूँ। क्लासेस स्टार्ट हो गई और हमने एक दो प्ले भी उठा लिए जो हमें स्टेज पे करने हैं। तो सीन ये था कि प्ले थोड़ा हार्ड उठा लिया था, कैलिगुला के नाम से एक ग्रीक क्लासिकल प्ले है, तो उसका टेक्स्ट समझना बहुत मुश्किल है। खैर हमने वो खेल ले लिया, उसके दो एक्ट कर रहे हम, और बहुत सारी चीज़ें सीखी हमने इस ट्राइमेस्टर में। तो उस प्ले की तरफ इतना फोकस था कि व्लॉगिंग करने का मुझे टाइम लिटरली नहीं मिलता था। सुबह 10 बजे, सुबह 9 बजे, 10 बजे जाना होता था क्लास में, और रात को 9, 10, 11 बजे वापस आता था घर पर। तो ये मेरी रूटीन चल रही थी। अभी मैंने जो लास्ट एनडी वाला वीडियो डाला था, द टैलेंटेड एक्ट्रेस ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, वो तो एक डेढ़ महीने का रिकॉर्डेड था जो मैंने एडिट करके और यूट्यूब पे डाल दिया। तो अब सीन ये है कि भाई वो खेल हो गया तैयार, अब आज 3 बजे वो प्ले होना है। तो मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ, इतना नर्वस तो नहीं हूँ मैं, लेकिन थोड़ा बहुत होता है। ये एक आर्टिस्ट के अंदर स्टेज पे जाने से पहले थोड़ा सा डर रहता है, तो ये है कि बस वो भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। इस वजह से व्लॉगिंग करना बीच में मैंने छोड़ दी थी एक डेढ़ महीना। अभी चीन ये है कि मैं थोड़ा जल्दी उठाऊँ, 10 बज रहे हैं, वैसे कॉल टाइम था सुबह 10 बजे पहुँचने का, मैं लेट हो गया हूँ थोड़ा। तो अभी मैं जा रहा हूँ नहाने, पानी गर्म हो रहा है, उसके बाद मैं जाऊँगा एक दोस्त के पास जिसको मेरा प्ले देखना है। 3 साल से वो हमेशा कहता रहा है कि यार मैं तुम्हारा प्ले देखने आऊँगा, लेकिन आज तक उसने मेरा कोई प्ले नहीं देखा। तो आज वो बड़ा खुश है कि यार मैं अमजद का प्ले देखने जा रहा हूँ, तो मैं उसको लेने जाऊँगा। अगर नहीं लेने गया तो वो नहीं आएगा, मुझे पता है। यार ये बताओ कि आपका भाई कैसा लग रहा है? लग रहा हूँ गैंगस्टर, बड़े बाल मूछें और ये बड़ी बड़ी कलमें। हालांकि ज़िंदगी में मैंने कभी बड़ी कलमें नहीं रखी, ये मेरी छोटी होती हैं यहाँ तक बस। पहली दफ़ा मैंने ये बड़ी कलमें किए सिर्फ गैंगस्टर का रोल करने के लिए। अब मुझे नहीं पता कैसा होगा। यार गाड़ी पंचर थी हुई। वालेकुम सलाम। ना यार जई वो आने की थी, दो आने की नहीं आ तो इधर चलो फोन। हां जो भी हो या यार लेट तो पहले ही हो गए थे, मैंने सोचा यार क्यों ना एक नापा जाने से पहले एक चाय पी ले। हां भाई क्या सीन है, ये क्या कर दिया तूने? यही कहा था सर ने। सर ने कब कहा था ऐसा करने को? मुझे कहा है।
हमजा कितना टाइम बाकी है इसमें सेट में? लग रहा है यार, देखो कितना टाइम बाकी है, हो सकता है 20 से 25 मिनट और लग जाए। 20 से 25 मिनट? और हम सबकी बदकिस्मती ये है कि उसका हर फैसला शुरू से आखिर तक उसके हिसाब से मंतव्य है, और जब कुछ दलीलों से नहीं जीत पाता तो हमलावर होता है। ठीक है, वक्त आ गया है, अब हमें अमल पैरा होना चाहिए। हाँ, हमें अमल पैरा होना चाहिए। अरे हाँ, जिस तरह का कायदा हमें चाहिए था, जिम्मेदार होना चाहिए था। मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि तुम लोगों के साथ क्या होने वाला है। तुम लोगों से इतना प्यार करता है कि तुम लोगों के बच्चों को अपना बच्चा समझता है, तुम लोगों की दौलत को अपनी दौलत समझता है, तुम लोगों की बीवियों को अपनी। प्ले कैसा लगा यार? प्ले माशाल्लाह इतना अच्छा लगा, मैं यकीन नहीं आ रहा कि आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कैसे दी। और मैंने फर्स्ट टाइम आपकी परफॉर्मेंस देखी है, फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस देखी है और मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपकी परफॉर्मेंस देख के ना दिल खुश हो गया यार। थैंक यू यार, थैंक यू। इतनी तारीफ नहीं करो।